तो ये बहुत ही टेस्टी है दी सूजी और आलू का नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी के जार में एक कप इतनी सूजी ली है सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं इसी के साथ ही एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू लिया है आलू के छिलकों को मैंने अच्छे से निकाल लिया था अब हम क्या करेंगे इसके छोटे छोटे से पीसेस करके ना मिक्सी जार में डालेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस करके मैंने मिक्सी जार में डाल दिए अब हम क्या करेंगे इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे तो लगभग आधे चम्मच नमक का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है साथ ही में थोड़ा सा चीनी भी डालेंगे तो आधा चम्मच के करीब चीनी डाली है नाश्ता अच्छे से सॉफ्ट बने इसलिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच इतना तेल डाला है अब हम क्या करेंगे इसमें लगभग आधा कप इतना दही डालेंगे जिस कप से हमने सूजी नाप के डाली है ना सेम उसी कप से मैंने यहाँ पर आधा कप दही डाला है जितना दही लिया था उसका आधा हमें यहाँ पर पानी लेना है और अब हम क्या करेंगे इसे मिक्सी में अच्छे से बारीक पीसेंगे थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल डोसे के बैटर जैसा चिकना बैटर जो है यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है बिना दाल चावल भी होए बस दस से पंद्रह मिनट में बनने वाली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है अब हम क्या करेंगे इसे लगातार चलाते हुए लगभग तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे ऐसा करने से क्या होता है कि बैटर जो है अच्छे से प्लपी बन जाएगा साथ ही हमारा नाश्ता जो है और भी ज़्यादा टेस्टी और जालीदार बनेगा तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें लगातार फेंटना है दो से तीन मिनट के लिए इसे अच्छे से फेंट के तैयार कर लें और आप देख सकते हैं बैटर यहाँ पर अच्छे से प्लपी हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसे कवर करके दस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि बैटर जो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सेट से हो जाए बैटर सेट हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे इसके साथ खाने के लिए एक मूँगफली की चटनी जो है बनाकर तैयार करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटे मिक्सिंग बाउल में आधा कप इतने मूँगफली लिए है मूँगफली को मैंने रोस्ट करके डाला है साथ ही में हम तीन से चार हरी मिर्च डालेंगे दो लहसुन की कलियाँ थोड़ा सा धनिया पत्ता इसके बाद एक चम्मच इतना दही लिया है स्वादानुसार हम इसमें नमक डालेंगे तो देखिए लगभग आधे चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और चटनी को अच्छे से पीस के तैयार करेंगे थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं चटनी जो है यहाँ पर बन रेडी हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने चटनी को हल्का सा गाढ़ा ही रखा है आप चाहे तो इसमें और पानी डाल के इसे पतला भी कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे चटनी को एक बाउल में निकालेंगे और इसके बाद इसमें छोटा सा तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में तेल गरम करेंगे और इसमें चौथाई चम्मच इतनी राई डालेंगे इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर चौथाई चम्मच जीरा लिया है थोड़ा सा हम इसमें बारीक कटा हुआ करी पत्ता डालेंगे और तुरंत गरम तड़के को हम चटनी के ऊपर डाल देंगे बहुत ही स्वादिष्ट है मूँगफली की चटनी जो है यहाँ पर बन रेडी हो चुकी है इस चटनी को आप अपने पसंद के अनुसार इडली डोसा वड़ा या उत्तपम वगैरह के साथ भी खा सकते हैं चटनी को साइड में रखेंगे और अब हम बैटर को चेक करेंगे आठ से दस मिनट के बाद आप देख सकते हैं बैटर जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सेट से हो चुका है इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने सूजी का इस्तेमाल किया है तो सूजी जो है इसमें और भी अच्छे से फूल चुकी है तो अब हम क्या करेंगे इसमें एक छोटी चम्मच इतना इनो डालेंगे इनो की जगह में आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी यहाँ पर डाल सकते हैं इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है मिक्स करेंगे इनों को सभी बैटर के साथ अच्छे से इनो या सोडा डालने के कारण बैटर जो है अच्छे से प्लपे हो जाता है साथ ही हम जो नाश्ता बनाते हैं ना वो भी बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनता है तो देखिए यहाँ पर सभी इनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे तुरंत इसका नाश्ता बनाना जो है शुरू करेंगे इसके लिए गैस ऑन करके पैन गरम करेंगे पैन को मैंने थोड़ा सा तेल और पानी लगाकर अच्छे से पोछ लिया है जैसे ही पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा हम क्या करेंगे इसमें दो चम्मच इतना बैटर डालेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने दो चम्मच बैटर का इस्तेमाल किया है बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे फैलाना है इस नाश्ते को हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे हल्का सा मोटा ही रखेंगे और अब हमें नाश्ता जो है और भी हेल्दी और चटपटा बने इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है इसके ऊपर डाला है साथ ही में हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज कद्दूकस किया हुआ गाजर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे सब्जियों में आप चाहे तो टमाटर या शिमला मिर्च वगैरह भी इसके ऊपर डाल सकते हैं या तो सब्जियों के बिना भी आप इसे बना सकते हैं यानी कि जैसे कि हम सेट डोसा या प्लेन डोसा बनाते हैं ना बस वैसे भी आप इसे बना सकते हैं लेकिन सब्ज़ियाँ डालने से नाश्ता जो है हल्का सा हेल्दी हो जाता है साथ ही में बच्चे जो है अक्सर सब्ज़ियाँ वगैरह खाने में आलस करते हैं लेकिन इस तरीके के नाश्ते में अगर आप बच्चों को सब्ज़ियाँ वगैरह डालकर खिलाते हैं तो बच्चे इसे बड़े प्यार से खाते हैं साथ ही में बच्चों का सेहत भी अच्छा रहता है अब हम क्या करेंगे सब्जियों को ना हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि इस नाश्ते में आसानी से सेट हो जाए दो मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इस नाश्ते को सेकेंगे थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं सेट डोसा जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है आप इसे सेट डोसा कह सकते हैं या तो इंस्टेंट उत्तपम वगैरह भी कह सकते हैं मतलब जो मन जाए आप इस नाश्ते को नाम दे सकते हैं दूसरे साइड से आप देखिए कितना बढ़िया कलर जो इस नाश्ते में आ चुका है कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि हमने इसे सिर्फ कच्चे आलू और सूजे से बनाया है जैसे कि हम चावल वगैरह का सेट डोसा बनाते हैं ना वैसे ही नाश्ता बन के रेडी हो चुका है सेम प्रोसेस से मैं और एक नाश्ता जो है आपको बना के दिखाऊँगी फिर से मैंने थोड़ा सा बैटर डाला है और इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी सब्ज़ी और लाल मिर्च पाउडर वगैरह डालेंगे और देखिए दूसरा नाश्ता भी यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे सेम प्रोसेस से बाकी के सभी नाश्ते को इस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे बिना दाल चावल भी हुए बिना बैटर को फर्मेंट किए इतना ज़्यादा टेस्टी सॉफ्ट जालीदार नाश्ता अगर आप घर पे बनाते हैं तो सभी आपकी तारीफ करेंगे टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी रेसिपी तो आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे कल ऐसी ही नई आसान और हेल्दी रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद